So what a vibe, what a life. अब आप लोगों को सही सही ये चीज़ सुनाई दे रही होगी और इसके मायने भी मैंने आपको बता दिए थे लास्ट व्लॉग में। आज मैं आया हूँ अंकुर वाले गणेश जी जिनको कहते हैं, यानी कि छोटे महावीर में हमारे यहाँ गणेश प्रतिमा स्थापित होती है। बहुत सुंदर, काफ़ी हाइटेड रहते हैं और हर साल इनकी डेकोरेशन और मूर्ति दोनों ही बहुत बढ़िया रहती हैं। मैं वहीं पर आया हूँ, अभी मूर्ति तैयार हो रही है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और आज ही इनका आगमन भी है। मूर्ति रेडी होने के बाद यहीं से इनका आज आगमन होगा। जो आप सामने देख रहे हैं ये छोटे महावीर वाले गणेश जी हैं। बहुत सुंदर गणेश जी होते हैं, ये हर साल बहुत प्यारे होते हैं। इस साल भी उतने ही क्यूट, उतने ही प्यारे लग रहे हैं। अभी इनमें तैयारियां चल रही हैं और आज ही इनका आगमन भी है, आज ही हम इनको लेके जाएंगे। फिनिशिंग का काम चल रहा है, बस ऑलमोस्ट हो ही गया है। महाराज की खासियत ये है कि पूरे शहर में ये इकलौती ऐसी मूर्ति है जिसमें महाराज की जो सूंड रहती है, जो आप देख रहे हो ना, वो सीधी तरफ रहती है और सिद्धि विनायक गणेश जी जो हैं ये उनका स्वरूप है। और दूसरी बात ये कि इनकी नाभि में श्रीयंत्र पहले लगाया जाता है, उसके बाद महाराज का काम पूरा शुरू होता है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। आँखें देखिए और इनका जो आकार है, जो स्वरूप है, जो हाइट है। ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ना, ये बप्पा को सजाने का पूरा सामान है, उनकी अंगूठियाँ, उनके जेवर, उनकी धोती, सारी चीज़ें। और ये अभी काट ही रहे हैं, इसमें डायमंड लुक दे रहा है। ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये बड़ा वाला हार है। जब बप्पा अभी रेडी हो जाएंगे ना, सारी चीज़ें जब उनको पहना दी जाएंगी, जब उनका श्रृंगार हो जाएगा, तो यही मूर्ति इतनी सुंदर लगने लगेगी। ये देखो, बहुत ही सुंदर सुंदर सजावट की चीज़ें हैं। फिनिशिंग का काम चल ही रहा है, एक एक करके सारी चीज़ें सजाई जा रही हैं बप्पा पे। जैसे आप देख सकते हो, कमरकंद वगैरह, बाजूबंद वगैरह, ये सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। अभी मुकुट का काम हो रहा है, मुकुट में फिनिशिंग का काम चालू है। अभी पहनाया जा रहा है महाराज को बड़ा वाला हार, जो मैंने उठा के दिया है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल वैसी वाइब्स आ रही हैं जैसे मैं मुंबई के किसी पंडाल में हूं और महाराज रेडी हो रहे हैं। हमारे जबलपुर भी कम नहीं है, पीछे नहीं है त्योहारों को मनाने में। तो आजकल ऐसा होने लगा है आपकी कृपा से और जो यहां पे लोग खड़े हैं उनके प्यार से, कि अब मैं कहीं भी जाता हूं तो एक दो लोग तो मिल ही जाते हैं और यहाँ पर कुछ इतने लोग मिल गए। तो ये सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं। Yes. सारे के सारे ही देखते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस। ये तो चलो नेक्स्ट सेकेंडरी मैटर है, ये बताओ वीडियो देख के लगता कैसा है? बहुत अच्छा। वाइब्स कैसी मिलती है, फीलिंग क्या आती है? कोई दिक्कत तो नहीं लगती? बस ठीक है। तो ये जो प्यार है और मतलब मैं क्या बोलूँ, जो रिस्पेक्ट है वो बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सब इनकी वजह से है। जो भी है आज सब इनकी वजह से। तो अभी इनका काम बस होने ही वाला है, थोड़ा सा और बचा है और फिर आगमन। इन लोग ऐसे बता रहे हैं, मैंने आज तक आगमन नहीं देखा है। इन लोगों का कहना है कि आगमन बहुत ही धमाल होता है, बहुत ही मस्त होता है और रात को 12 बज जाएंगे ये मूर्ति निकलते निकलते। तो देखते हैं क्या कैसी वाइब्स होने वाली हैं आज। धोती बनाई जा रही है अभी महाराज को और बहुत ही सुंदर रूप आ रहा है अब महाराज का। ये आप देख सकते हो, ऊपर जेवर जो हैं वो थोड़े थोड़े पहन चुके हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हैं प्रथम दर्शन महाराज के, इतने सुंदर लग रहे हैं ये। मैं आपको शुरू से दिखा रहा था ये मूर्ति, श्रृंगार हो गया है पूरा। इनकी धोती देखिए, इनका स्टाइल देखिए आप, इतने सुंदर लग रहे हैं ये। और अब बस आगमन की तैयारियां शुरू हो गई, रात के 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं हमारे महाराज। अब पंडाल खोल रहा है यहाँ पे, ये सारे पाइप्स ओपन हो रहे हैं और उसके बाद मूर्ति को हम बाहर निकालेंगे। ये जो लास्ट प्रोसेस होता है बस वही हो रहा है, जो चमक आती है मूर्ति में। पूजा शुरू हो गई है महाराज की। चलिए पूजा हो चुकी है, जय गणेश।
ढोल की आवाज आ रही होगी आपको। सब कुछ हो चुका है और अब सिर्फ महाराज को बाहर निकालना है। ये सामने से पूजा होने के बाद का व्यू है जो मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ बीपरेटे ब्लॉग्स पे। आराम से दर्शन करिए और जब इनका दरबार सज जाएगा तो जरूर आइएगा दर्शन करने। चलिए भैया, फाइनली रात के 1 बजे महाराज अब ये पंडाल छोड़ेंगे और अपने घर में विराजमान होंगे। शाम को 7:30 बजे से इंतज़ार अब जाके ख़त्म होगा और अब शुरू होगा आगमन। गूज बम्स मिल रहे होंगे आपको घर बैठे, डेफिनेटली आप फील कर पा रहे होंगे इस वाइब को। तो इतनी मेहनत करनी होती है जब बप्पा को या हमारी महामाया को लेके जाना होता है पंडाल से। रात के बज रहे हैं 1। वाइब्स ही अलग है भाई आज तो। मेन रोड तक आ गए हैं पप्पा और अभी यहाँ पे लाइट्स लग रही हैं तो उनके चेहरे पे अल्ग से निखार आएगा और फिर उसके बाद जो शॉट्स आएंगे वो अल्टीमेट होंगे भाई। बहुत ही सही वाइब्स हैं। लाइट्स हो गई हैं ऑन और आगमन हो गया शुरू। भाई टोटली डिफरेंट वाइब्स हैं, पहली बार मैं ये आगमन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और 1:30 बजे रात को धमाधम हुए पड़ा। और ये समिति क्या क्या शौक से लेके आती है महाराज को भाई, मानना पड़ेगा। ये होता है आगमन, ये होता है सादर, ये होती है भक्ति। Thank you.
तो सामने आप जो देख रहे हैं ये है छोटे महावीर यानी हमारे हनुमान जी का मंदिर, और इनके जस्ट पीछे ये गणेश जी स्थापित होते हैं। और भाई क्या वाइब्स क्रिएट की है समिति ने यार, मैंने पहली बार ऐसा आगमन अटेंड किया है जबलपुर में, गजब, लिटरली गूज़बम्प्स। और हार्डली यहाँ से 500 मीटर होगा जहाँ पे मूर्ति बन रही थी, और 500 मीटर के लिए आपने माहौल देखा है। तो ये था छोटे महावीर वाले गणेश जी का आगमन, और जो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में अटेंड किया, और भाई क्या ही गूज़बम्प्स मिले, क्या ही आगमन करती है समिति। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको डेफिनेटली गूज़बम्प्स मिलेंगे, यानी आपके रोंगटे खड़े होंगे इस वीडियो को देख के, बहुत बढ़िया वाइब्स थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब मुझे जाना है, 2 बज गए और अब मुझे एडिट करके आज के आज आपको सुबह 10 बजे ये व्लॉग देना है। तो अब मैं जल्दी से निकलूंगा अपने घर, शाम को 7:30 बजे आया हुआ था। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसे बड़ी महाकाली विसर्जन जैसा शेयर करिएगा। महाराज का आगमन भी उसी की तरह एकदम एक्सप्लोड होना चाहिए यूट्यूब पे, सबको देखना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और चैनल पर जीत रहिए। जय गणेश।